2 अगस्त 1981 को एक कार्गो शिप जिसका नाम था प्रिमरोज, जो बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के बीच ट्रैवल कर रही थी, वो क्रैश कर गई थी बे ऑफ बंगाल में। वो शिप थी अंडमान आर्किपेलागो में एक आइलैंड के पास जिसका नाम है नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड। क्रू अपनी लाइफ बोट नहीं यूज कर पाया था क्योंकि सीज बहुत रफ थे। कुछ दिनों तक वेट करने के बाद फिर एक यंग सेलर ने कुछ लोगों को अप्रोच करते हुए देखा अपनी शिप की तरफ, पर वो लोग उनकी हेल्प करने नहीं जा रहे थे बल्कि उनके हाथों में हथियार थे, और वो थे सेंटिनलीज लोग। शिप के कैप्टन ने फिर एक इमरजेंसी मैसेज भेजा। वाइल्ड मैन एस्टिमेट मोर देन 50 कैरिंग वेरियस होममेड वेपन्स आर मेकिंग 2 or 3 वुडन बोट्स वारिंग दे विल बोर्ड अस एट सनसेट ऑल क्रू मेंबर्स लाइव्स नॉट गारंटीड। एक हफ्ते बाद इंडियन नेवी ने एक हेलीकॉप्टर भेजा उनको बचाने के लिए, और ये शिप अभी भी नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के पास पाई जा सकती है। ये सेंटिनलीज लोगों के साथ एक एक्सीडेंटल इंटरैक्शन था, और उनके साथ मॉडर्न ह्यूमंस के कई और इंटरैक्शंस हो चुके हैं, कुछ पीसफुल और कुछ नॉट सो पीसफुल। नवंबर 2018 को जॉन एलन चाओ एक अमेरिकन मिशनरी पोर्ट ब्लेयर में लैंड हुए थे, और वो नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड जाना चाहते थे ताकि वो सेंटिनलीज को क्रिश्चियनिटी से इंट्रोड्यूस कर पाए। उन्होंने अपनी ट्रिप के लिए कैरफुली प्रिपेयर किया और उसकी सारी डिटेल्स अपनी डायरी में लिखी। कुछ लोकल फिशरमैन के साथ वो नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड गए कुछ गिफ्ट्स लेकर, जैसे कैची और फिश हुक्स। पहले अटेम्प्ट में सेंटिनलीज बहुत अग्रेसिव थे और फिर जॉन आइलैंड छोड़कर भाग गए थे। दूसरे अटेम्प्ट में भी सेंटिनलीज बहुत अग्रेसिव थे उनके अगेंस्ट। तीसरे अटेम्प्ट में जॉन मारे गए। ये है अंडमान और निकोबार आइलैंड्स। इन आइलैंड्स के अंडमान पार्ट में करीब 300 से ज्यादा आइलैंड्स हैं। नॉर्थ, मिडिल और साउथ अंडमान को कहा जाता है ग्रेट अंडमान, और ये मेन आइलैंड्स कहलाते हैं जहाँ सबसे ज्यादा इंडिजिनस लोग रहते हैं। अंडमान के ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स को कहा जाता है अंडमानीज, जो सबसे पहले लोगों में से थे जो अफ्रीका से बाहर माइग्रेट करे थे। अंडमानीज के ऊपर एक पेपर ने ये डिस्क्राइब किया कि वो यूजुअली हंटर गैदरर है, यानी कि वो खेती नहीं करते बल्कि फल, फिश, हनी और टर्टल एग्स पर रिलाय करते हैं। अडल्ट मेल्स की हाइट 5 feet से कम है और वो कोई कपड़े नहीं पहनते। सबसे पहला रिकॉर्डेड कॉन्टैक्ट अंडमान आइलैंड्स के साथ था 1771 में, जब जॉन रिची को ब्रिटिशर्स ने भेजा था इन आइलैंड्स को सर्वे करने के लिए। अंग्रेजों का इन आइलैंड्स के साथ बहुत ओकेजनल कॉन्टैक्ट ही था, पर ये चेंज हुआ 1857 में, जब 1857 म्यूटिनी के बाद अंग्रेजों ने अंडमान निकोबार आइलैंड को एक पीनल कॉलोनी में तब्दील कर दिया, यानी कि ऐसी कॉलोनी जहां वो कैदियों को भेजते थे। अब अंग्रेजों के पास एक कारण था अंडमानीज के साथ बातचीत करने के लिए। पहले अंडमान के ब्रिटिश सुपरिंटेंडेंट को इंस्ट्रक्शन दिए गए थे कि उनको अंडमानीज को बताना चाहिए कि उनकी इंटेंशंस बहुत फ्रेंडली हैं, पर एक्चुअली में ब्रिटिशर्स की राय अंडमानीज के बारे में बहुत अलग थी। एक ऑफिशियल ब्रिटिश रिपोर्ट ने कहा कि असंभव है कि कोई और ट्राइब इन अंडमानी से ज्यादा जंगली होगी, और अंडमान की लोकल पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के बाद ब्रिटिशर्स को ये रियलाइज हुआ कि इनमें एक्चुअली कुछ यूनिक स्किल्स है जिनको हम यूज कर सकते हैं। वो अच्छे निशानेबाज थे, वो स्विमिंग अच्छी तरह से कर सकते थे, और जंगलों में कई किलोमीटर के बीच कम्युनिकेट कर सकते थे पेड़ों से आवाजें निकालकर। तो फिर अंग्रेजों ने इन लोकल अंडमानीज को कैसे यूज किया? भागे हुए कैदियों को पकड़ने के लिए। अंग्रेजों को एक और चीज पता चली अंडमानीज के बारे में कि ये लोग एक्चुअली एक तरीके के लोग नहीं है। 19वीं सदी में 5 तरीके के ग्रुप्स थे अंडमान आइलैंड्स में, जिनके अंदर 13 तरीके की यूनिक ट्राइब्स थी जिनकी अपनी खुद की लैंग्वेज थी। पर जब से अंडमान आइलैंड्स ब्रिटिश इंडिया का एक इम्पोर्टेंट पार्ट बन गए थे, तब से इन आइलैंड्स की पॉपुलेशन तो इंक्रीज करी है, पर उधर की लोकल इंडिजिनस पॉपुलेशन घटी है। 5 ग्रुप में से जो जंगील ट्राइब थी वो 1920s के आसपास खत्म हो गई थी। ग्रेट अंडमान ग्रुप, जिसमें करीब 10 ट्राइब्स थी और हर ट्राइब में करीब 200 से 700 लोग थे, उसकी पॉपुलेशन अब बस घटकर 60 हो गई है। ओंगे ट्राइब, जिसमें 100 से कम लोग शामिल हैं अभी, वो बहुत हद तक इंडियन पॉपुलेशन के साथ इंटीग्रेट हो गई है। और जरावा ट्राइब की पॉपुलेशन, जो एक टाइम पर 9,000 होती थी, अब करीब 350 है, और कुछ हद तक वो प्रोटेक्टेड हैं क्योंकि वो एक फॉरेस्ट रिजर्व में रहते हैं मिडिल और साउथ अंडमान के बीच, जहां वो आसपास के गांव वालों और इंडियन गवर्नमेंट के साथ ज्यादा कांटेक्ट में नहीं आते। सेंटिनलीज एक लौती ट्राइब है अंडमान की जो पूरी तरह आइसोलेटेड है। सेंटिनलीज हमारी दुनिया में ऐसी ट्राइब है जिसका सबसे कम इंटरेक्शन रहा है मॉडर्न ह्यूमन सिविलाइजेशन के साथ। उनकी पॉपुलेशन कन्फर्म नहीं है, पर एस्टिमेट्स के हिसाब से वो 50 से 500 के बीच कहीं भी हो सकते हैं।
हमें जितना भी पता है उनके बारे में वो बहुत लिमिटेड इंटरेक्शन से ही पता चला है। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड का फर्स्ट रिकॉर्डेड मेंशन था 18वीं सदी में, जब एक ईस्ट इंडिया कंपनी की वेसल ने इस आइलैंड को पास किया था और कई लाइट्स दिखी थी उनको। और जितने भी इंटरेक्शन हुए हमारे सेंटिनलीज लोगों के साथ, उससे हमें एक बात क्लियर हो जाती है कि वो हमसे बात नहीं करना चाहते। 1867 में एक इंडियन मर्चेंट शिप जिसमें करीब 100 पैसेंजर्स और क्रूमैन थे, उसका एक्सीडेंट हो गया था नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के कोस्ट के पास। तीसरे दिन उनको अटैक किया गया था ऐसे लोगों ने जो नंगे थे, जिनके कम बाल थे, जिनकी नाक रेड पेंटेड थी और जो आवाजें निकाल रहे थे। ब्रिटिश इंडिया की रॉयल नेवी की वजह से वो एस्केप कर पाए थे। इस घटना के बाद करीब 80 सालों तक उस आइलैंड को अकेला छोड़ दिया गया। पर 1974 में ये बदला जब एक फिल्म क्रू एक डॉक्यूमेंट्री शूट करना चाहता था अंडमान निकोबार की इंडिजिनस पॉपुलेशन के ऊपर। एक स्ट्रैटेजी जो उन्होंने यूज करी थी लोकल पॉपुलेशन से मिलने के लिए वो थी कि वो कुछ गिफ्ट्स लेकर जाते थे, जैसे नारियल या खाने का सामान जैसे फिश और पिग्स। ऐसी चीजें वो आइलैंड की एंट्रेंस पर छोड़ देते थे और फिर कुछ पीछे हटकर बस ऑब्जर्व करते थे कि लोकल पॉपुलेशन उनको इन्वाइट करेगी या नहीं। उनकी ये तरकीब काम आई ओंगे ट्राइब और जरावा ट्राइब के साथ। 1974 में ही भाग्य ने हमारा साथ दिया, पर सेंटिनलीज लोगों के साथ ये चीज नहीं काम आई। लगता है सेंटिनलीज अलगाव में विश्वास करते हैं, उन्हें किसी का आना पसंद नहीं। बरछाए गए तीरों से इस फिल्म के एक सदस्य घायल हुए। तीर 2.5 मीटर लंबा था, जिसका निशान जन भर उनके साथ रहेगा। अब किसी को ये पता नहीं कि सेंटिनलीज इतने अग्रेसिव क्यों हैं मॉडर्न ह्यूमंस के अगेंस्ट, पर एक थ्योरी इस व्यक्ति को ब्लेम करती है, मॉरिस विदाल पोर्टमैन। पोर्टमैन एक ऑफिसर इंचार्ज थे अंडमान्स के अंग्रेजों के लिए और वो ऑलमोस्ट सेक्सुअली ऑब्सेस थे अंडमानीज लोगों के साथ, इंक्लूडिंग सेंटिनलीज। एक बार उन्होंने एक सेंटिनलीज कपल और 4 बच्चों को किडनैप किया था उनको स्टडी करने के लिए। उस कपल की मृत्यु हो गई क्योंकि शायद उनके पास जेनेटिक इम्यूनिटी नहीं थी कुछ बीमारियों के अगेंस्ट। इसके बारे में उन्होंने अपनी पब्लिकेशन में ही डिटेल्स लिखी है और शायद इन एक्सपीरियंसेस की वजह से सेंटिनलीज लोग मॉडर्न ह्यूमंस के साथ कोई भी इंटरेक्शन नहीं करना चाहते। 1974 के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत कोशिश करी सेंटिनलीज के साथ संपर्क करने की और इन एफर्ट्स में की रोल प्ले किया एंथ्रोपोलॉजिस्ट टीएन पंडित और मधुमाला चट्टोपाध्याय ने। 1981 के बाद अपने साथ गिफ्ट्स लेकर टीएन पंडित कई बार नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड की तरफ गए, पर करीब 10 साल तक उनको कोई भी सक्सेस हासिल नहीं हुई। ये चेंज हुआ 1991 में, जब एक इंडियन गवर्नमेंट की एक्सपेडिशन ने करीब आधा घंटा समय बिताया सेंटिनलीज के साथ। और कुछ हफ्ते बाद टीएन पंडित, जिन्होंने ये फर्स्ट ट्रिप मिस कर दी थी, वो वापस नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड गए और इस बात उनको कामयाबी हासिल हुई। और इस ट्रिप से हमें फर्स्ट वीडियो फुटेज मिली सेंटिनलीज लोगों की, और इस फुटेज से हम देख सकते हैं कि इन लोगों के पास ऑलरेडी मेटल के हथियार हैं और शायद ये हथियार उन्होंने प्रिमरोज की शिप से बनाए थे। 1997 के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने मना कर दिया कोई भी एक्सपेडिशन के लिए और एक पेरीमीटर क्रिएट कर दिया था नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के पास। कई लोगों का ये मानना है कि हमें अपना इंटरेक्शन बढ़ाना चाहिए सेंटिनलीज लोगों के साथ, पर इसका क्या नतीजा हो सकता है उसके लिए हमें जरावा ट्राइब को देखना चाहिए। सेंटिनलीज लोगों की तरह जरावा ट्राइब भी कई सालों से कम्प्लीटली आइसोलेटेड थी, पर फिर 1970s में इंडियन सरकार उनके साथ ज्यादा कॉन्टैक्ट बनाने की कोशिश कर रही थी और फिर उस ट्राइब ने बहुत अग्रेसिवली रिस्पॉन्ड किया था। तो पहले घर बनाने के लिए, हाउस बनाने के लिए, पत्ती काटने के लिए जंगल में जाते थे, तो जरवा उठे में देखेगा तो मारेगा। पर एक्चुअली कई मिशन सक्सेसफुल भी हो पाए थे। जैसे 1974 का डॉक्यूमेंट्री क्रू कुछ चुनिंदा लोगों में से एक था जिनको बहुत सारी एक्सेस मिली थी जरावा ट्राइब की। 1970s में इंडिया ने अंडमान ट्रंक रोड बनाई जो जरावा ट्राइब के एरिए से गुजरती थी, जिसकी वजह से सरकार और हमारा कॉन्टैक्ट उस ट्राइब के साथ और बढ़ गया था। ज्यादा इंटरेक्शन की वजह से ऐसी ट्राइब जिसको ना ही दारू ना ही तम्बाकू के बारे में कोई भी जानकारी थी, वो इन दोनों ही चीजों से एडिक्टेड हो गई थी। इसके बावजूद कि इंडियन सरकार ने जरावा लोगों की फोटोज लेने के लिए या उनके साथ बात करने से बैन कर दिया था, इलीगल टूरिज्म अभी भी जारी है। 2012 में एक वीडियो पॉपुलर हुआ था जहाँ कुछ टूरिस्ट जरावा महिलाओं और बच्चों को डांस करने के लिए बोल रहे थे रोड में खाने के एक्सचेंज में, जो सवाल उठाता है कि सेंटिनलीज लोगों को क्या मिलेगा हमारे साथ संपर्क करने के बाद। ये टेंशन मॉडर्न ह्यूमंस और लोकल ट्राइब्स के बीच कोई नई चीज नहीं है और ना ही इंडिया में यूनिक है।
और अभी तक हमारी सरकारों ने एक यूटिलिटेरियन पर्सपेक्टिव लिया है इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, कि अगर हम इन ट्राइबल रीजन्स में एक माइंड क्रिएट करेंगे या फिर एक रोड बना देंगे जिससे कई और लोगों का फायदा होगा तो हम क्यों ना करें, क्योंकि ये एक यूटिलिटेरियन सोसाइटी है। और क्योंकि हम एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी में रहते हैं, हम हर चीज़ को एक इकोनॉमिक वैल्यू दे देते हैं और ट्राइबल्स को किसी तरह कॉम्पनसेट कर देते हैं। पर जहाँ ज़मीन जैसी चीज़ों की एक कीमत तय करी जा सकती है, हम कल्चर जैसी चीज़ों की कैसे कीमत तय करेंगे। 2010 में वो ट्राइब के लास्ट मेंबर की मृत्यु हो गई थी और इस मृत्यु के साथ उनकी लैंग्वेज भी मर गई और उनका कल्चर भी। अभी हमने ये डिसाइड किया है कि हम सेंटिनलीज के साथ कोई भी इंटरेक्शन नहीं करेंगे। पर क्या हमने ऐसा इसलिए चूज किया कि हमारे और उनके बीच पानी है? क्या हमारा निर्णय सेम ही होता अगर हम उन ट्राइबल्स की बात करते जो तेलंगाना के जंगलों में है या फिर लद्दाख के पहाड़ों में? हमें पता है कि किसी भी सिग्निफिकेंट इंटरेक्शन से सेंटिनलीज के साथ उनकी पूरी पॉपुलेशन खत्म हो जाएगी, क्योंकि उनके पास जेनेटिक इम्यूनिटी नहीं है कई डिजीजेस के अगेंस्ट। इसीलिए शायद हम इंटरेक्ट नहीं करना चाहते उनके साथ। पर क्या हमारा निर्णय अलग होगा अगर हमें ये पता चलता है कि उस आइलैंड में बहुत सारा तेल है या फिर एक बहुत वैल्यूबल रिसोर्स है? हम उस आइलैंड, उन लोगों और उन कल्चर पर क्या वैल्यू असाइन करेंगे? ये प्रश्न हमारी सोसाइटी को डिसाइड करना होगा।